हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। ये सीरीज है जो अभी रेगुलर चलती रहेगी, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम्स, उनमें करंट अफेयर्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। पिछले 15 टू 18 मंथ्स में और जो अभी लेटेस्ट करंट में चल रहा है करंट अफेयर्स का, इन दोनों को साथ में लेके चलेंगे। लास्ट 15 टू 18 मंथ्स का और अभी जो नेक्स्ट चलता रहेगा करंट अफेयर्स, उसको यहाँ पे करवाया जाएगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सभी के लिए यूजफुल है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहेंगे। और भी कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आपको इसका PDF वगैरह मिल जाएगा, आप एक बार समझ लीजिए यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। लेट्स बिगिन। रीएम 2023। देखिए, ये रीएम 2023 क्या है? ये पहला ऐसा इंटरनेशनल समिट है, पूरे वर्ल्ड में पहली बार हुआ है ये इंटरनेशनल समिट, या यूं कह सकते हैं कि रीएम 2023 ये पहला एडिशन है इसका। ये क्या है? री जो इसमें है, ये शॉर्ट फॉर्म किसकी है? री मीन्स रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ। ए स्टैंड करता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और M स्टैंड करता है मिलिट्री। सो रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री। मिलिट्री में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे रिलेटेड ये समिट हुई है। अब आप को एक तो ये ध्यान रखना है, दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो समिट हुआ है कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है हेग में। हेग कहाँ पे है? ये नीदरलैंड में है। नीदरलैंड्स में ये समिट हुआ है। इसमें और जो आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है कि ऑब्वियसली ये जो मिलिट्री से रिलेटेड, अब इसमें कॉमन प्रिंसिपल क्या है कि जो भी डिप्लॉयमेंट है या जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेके जानकारी साझा करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज, ये इसमें शामिल है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो 80 गवर्नमेंट डेलीगेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इंक्लूडिंग USA एंड चाइना। अमेरिका और चाइना सहित 80 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपसे स्टेटमेंट बेस कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें पूछा जाएगा इंडिया वाज ए पार्टिसिपेंट इन दिस समिट, सो इंडिया वाज नॉट ए पार्टिसिपेंट इन द समिट। इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, क्योंकि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस से रिलेटेड था, तो इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है ये पूरे देश में चर्चा का चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया ये मामला, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसी से जुड़ा हुआ है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या है? जिसको आप डेली बेसिस पे न्यूज सोशल मीडिया कहीं सुनते होंगे, FPO। अडानी एंटरप्राइजेज ने अभी रिसेंटली एक 20,000 करोड़ का एक FPO ऑफर किया था। FPO होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ये इसको वापस रिटर्न कर लिया और लोगों का जो पैसा था इन्वेस्टर्स का, वो भी रिटर्न कर दिया है अडानी एंटरप्राइजेज ने। इसकी वजह आपको पता है कि वो एक हिंडनबर्ग वगैरह की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद में इसके शेयर काफ़ी डाउन हो गए थे। अब यहाँ से ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि अडानी का क्या है, ये एक पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल, जो भी समझे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये देखना होगा कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो FPO क्या होता है? FPO एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी ऑलरेडी, जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, वो स्टॉक मार्केट में एडिशनल शेयर इशू कर सकती है इन्वेस्टर्स के लिए। आप समझिए इसको, कोई कंपनी जो ऑलरेडी पब्लिकली लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, वो एडिशनल शेयर, उसके शेयर नहीं, एडिशनल शेयर, ये टर्म आपको ध्यान रखनी है, एडिशनल शेयर इन्वेस्टर्स के लिए इश्यू करे, इसको FPO कहा जाता है। अब FPO क्या है?
ये जो FPO है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, इसको बोला जाता है सेकेंडरी ऑफरिंग। ये है सेकेंडरी ऑफरिंग। तो जो आपने एक टर्म सुनी होगी IPO, IPO होता है प्राइमरी कहें या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये दो होते हैं। इसमें दो मेन टाइप FPO होते हैं, एक तो आपने समझ लिया ये जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग है सेकेंड ऑफरिंग होता है, दूसरा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है जिसमें एडिशनल इश्यूएंस होता है कंपनी के शेयर्स का, उसको दो इसमें होते हैं टाइप इसके, एक होता है डाइल्यूटिव और एक नॉन डाइल्यूटिव, डाइल्यूटिव और एक नॉन डाइल्यूटिव, ये दो तरह के मेन FPO होते हैं। डाइल्यूटिव क्या होता है, इसका मतलब होता है न्यू शेयर्स आर एडेड, इसमें होता है न्यू शेयर्स आर एडेड, ये होता है डाइल्यूटिव। और जो नॉन डाइल्यूटिव होता है उसमें क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट शेयर्स हैं उनको पब्लिकली सोल्ड किया है, ये आपको डिफरेंस समझना है। डाइल्यूटिव मींस नया कुछ ऐड किया है, और जो नॉन डाइल्यूटिव है इसका मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं को बेचा गया है पब्लिकली। इसमें एक और ऑफरिंग होती है जो कई बार पूछी जाती है आपके एग्जाम में, ATM। ATM ऑफरिंग क्या है, ATM ऑफरिंग होती है कि कोई भी कंपनी ऑफर करती है सेकेंडरी पब्लिक शेयर्स किसी पर्टिकुलर दिन पे, वो डिपेंड करता है मार्केट प्राइस पे, कंपनी अपना कैपिटल रेज करने के लिए किसी पर्टिकुलर डे पे ऑफर करती है सेकेंडरी पब्लिक शेयर्स ऑफर करती है, उसको बोला जाता है ATM। ATM क्या है, एट द मार्केट, एट द मार्केट, इसका मतलब पर्टिकुलर मार्केट की क्या पोजीशन है, मार्केट को देख के ही ऑफर किया जाता है कि अभी मार्केट की कंडीशन क्या। उम्मीद है कि ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आपके समझ में आ गया होगा। इसमें आपको दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है, FPO क्या है, IPO क्या है, इसके अलावा डाइल्यूट नॉन डाइल्यूट और जो ATM, ये टर्म और इनका मतलब आप देख लीजिएगा। एक जो पूरी दुनिया में आजकल टर्म चल रहा है SRVA, SRVA ये अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। रिसेंटली स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट्स 20 जो रशियन बैंक हैं उन्होंने ओपन किया है रूपी वोस्ट्रो अकाउंट इंडियन बैंक्स के साथ पार्टनरशिप में, रशिया ने ये अकाउंट ओपन किए हैं स्पेशल रुपीज़ वोस्ट्रो अकाउंट। अब ये होते क्या है, देखिए वोस्ट्रो अकाउंट वो होता है जिसमें डोमेस्टिक बैंक होल्ड करता है फॉरेन बैंक्स के लिए डोमेस्टिक करेंसी में। सपोज एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि कोई बैंक है जैसे सिटी बैंक है न्यूयॉर्क का, सिटी बैंक हो गया न्यूयॉर्क का, उसने अकाउंट ओपन किया है रुपीज़ में किसी में, कोटक महिंद्रा में या ICICI में किसी में उसने ओपन कर लिया, इसका मतलब हुआ कि वो वोस्ट्रो अकाउंट हो गया ICICI के लिए, इस तरीके से समझिए। इसमें इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है, और इसमें जो एक्सपोर्टर है वो पेमेंट करे ले सकता है, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर जो है एडवांस में भी इंडियन रुपीज में पेमेंट ले सकते हैं। ओवरऑल यूं कह सकते हैं कि ये इंडियन रुपीज में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए है। अब देखिए इसमें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको ये समझ में आ गया होगा स्पेशल रुपीज वोस्ट्रो अकाउंट क्या है, नहीं तो और मैं डिटेल में बता देता हूँ। इसमें तीन टर्म हैं जो आपसे पूछी जा सकती है, इनवॉइसिंग, इनवॉइसिंग क्या है, जो भी टोटल ऑल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मस्ट बी डिनोमिनेटेड एंड इनवॉइस्ड इन इंडियन रुपीज, जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा वो इनवॉइस और डिनोमिनेटेड होगा इंडियन रुपीज में, ये इनवॉइसिंग है। इसमें जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट करेंसी जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उन पे मार्केट डिटरमाइंड होगी, ऐसा नहीं है कि डॉलर को रेफरेंस ले लिया या किसी और रूबल को ले लिया या किसी और करेंसी को ले लिया, यूरो को ले लिया, उसका रेफरेंस नहीं है,
मार्केट डिटरमाइन करेगा दोनों ट्रेडिंग पार्टनर के और वो एक्सचेंज रेट होगी। तीसरा इसमें है सेटलमेंट, सेटलमेंट सेटलमेंट जो होगा फाइनल सेटलमेंट वो होगा इंडियन रुपीज में। सो ये एक तरीके से इंडियन रुपीज को ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन भी मिलेगा इससे, लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल एज इंटरनेशनल करेंसी इंडियन रुपीज का लॉन्ग टर्म प्रमोट करने के लिए ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए ये शुरू किया गया है। मतलब अब रशिया का कोई बैंक है, बैंकिंग सर्विस उसकी यहाँ के जो अपने इंडियन बैंक्स है उनके साथ रुपीज में भी कर सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का नया सीईओ बनाया है अभी, ये फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है बीवीआर सुब्रमण्यम, बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ बनाया है। इससे पहले मैंने बताया हुआ आपको करंट अफेयर्स में परमेश्वरन अय्यर थे, वो थे नीति आयोग के सीईओ। उससे पहले अमिताभ कांत थे जो आजकल G20 के जो चल रही है उसमें शेरपा ग्रुप के को लीड कर रहे हैं। शेरपा G20 के भारत की तरफ से अमिताभ कांत है, उसके बाद में बने थे परमेश्वरन अय्यर और अब ये नए बने हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। जो परमेश्वरन अय्यर हैं उनका क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और वो क्या पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा कि अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड बैंक है उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का। ये हमारे फॉर्मर जो अभी पहले नीति आयोग के चेयरमैन थे परमेश्वरन अय्यर, इनको बना दिया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। देखिए आजकल IMF, वर्ल्ड बैंक और जो एक टर्म आपने खूब सुनी होगी चर्चा में FATF का, उसके भी अध्यक्ष आजकल इंडियन ही बन गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब नीति आयोग का तो आपको सबको पता होगा, नीति आयोग इसके कब बना था, ये गवर्नमेंट ने यूनियन कैबिनेट के रिजोल्यूशन से फॉर्म किया था नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये 1 जनवरी 2015 में इसको फॉर्म किया था। यह अपेक्स थिंक टैंक है एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पॉलिसी और डायरेक्शनल दोनों के लिए। अम्मा क्रुश AI, ये अम्मा क्रुश AI है, AI है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये लॉन्च किया गया है अभी ओडिशा ने, उड़ीसा गवर्नमेंट में लॉन्च किया है ये। अभी उड़ीसा के जो गवर्नर हैं गणेशी लाल, उन्होंने ये लॉन्च किया है। एक्चुअली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बॉट है, आपने एक चैट GPT आजकल बहुत टर्म चर्चा में वो सुना होगा, वैसे ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट GPT है और ये इंडिया का पहला ऐसा चैट GPT है एग्रीकल्चर बेस्ड, एग्रीकल्चर के लिए है ये चैट GPT। इसमें क्या होगा कि जो 40 बैंक हैं, 40 कमर्शियल और जो कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनसे वो इसमें मदद करेंगे किसानों की लोन प्रोवाइड करवाना, या इसमें जो अन्ना क्रुश AI है इसमें टोटल जो आएगा, इसमें 40 बैंक है कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक, लोन हो गया, गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, या जो बेस्ट एग्रो इकोनॉमिक प्रैक्टिस क्या है किसानों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिस है वो इसमें बताई जाएंगी। टोटल इसमें 10,000 से भी ज़्यादा किसान है जो इसमें प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें लगभग 10,000 किसान इसमें फुल प्लेज नेक्स्ट 2 महीने में कवर किया जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है ये अम्मा क्रुश AI किसके लिए है, किसानों के लिए, एग्रो इकोनॉमिक्स के लिए, कहाँ पे लॉन्च किया है, ओडिशा में। INDRA जो है ये है इंडिया रेटिंग्स फॉर द ईयर 24 ग्रोथ फोरकास्ट। देखिए इंडिया रेटिंग्स
रिवाइज किया है इसने 2024 के लिए। अभी जो पहले ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, आपके 6.4% जो प्रोजेक्शन बताया था किसने बताया था 2024 के लिए, सेंट्रल बैंक ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया था। अब जो इंडिया रेटिंग्स है उसने इसको फोरकास्ट को डाउनवर्ड कर दिया है और ये बता रहा है 5.9%। ये आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है। एक्चुअली जो इंडिया रेटिंग्स है ये एंटिसिपेट सर्विस और एग्रीकल्चर बेसिस पे ये बताता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये चर्चा में है अभी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो अभी प्रेसिडेंट है, एक तो इसका प्रेसिडेंट का नाम ध्यान रखिएगा आप, अटपटा सा नेम है इसका, मसात सुगु असाकावा। ये अध्यक्ष हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के। अभी इन्होंने अभी इन्फॉर्म किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि एडीबी है जो प्रोवाइड करवाएगा 22-25 बिलियन डॉलर, 22-25 बिलियन डॉलर है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है इंडिया को। ये अभी इन्होंने इन्फॉर्म किया है जो इसके अध्यक्ष है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। और ये किस लिए दे रहा है, जो एक प्रोग्राम चला रखा है प्राइम मिनिस्टर ने, पीएम गति शक्ति, जितने भी हाईवे, रोड, एयरपोर्ट्स, रेलवेज या फिर जो डोमेस्टिक रिसोर्स हैं या फिर जो क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, कार्बन मार्केट डेवलपमेंट या सर्कुलर इकोनॉमी का, सर्कुलर इकोनॉमी एक टर्म है जो आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में है, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी, इन सब के डेवलपमेंट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो भारत को 25 बिलियन डॉलर देगा अगले 5 साल में देगा। ये इसने कहा है। देखिए एडीबी आपको पता होगा कि इसमें टोटल 68 मेंबर कंट्रीज हैं। इसकी स्थापना है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है एडीबी का, इसका हेडक्वार्टर है मनीला में, और मनीला कहाँ है, फिलीपींस में। ये कई बार जो बैंकिंग, रेलवेज के एग्जाम उनमें पूछा जाता है, जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स है उनमें आपसे ये पीएम गति शक्ति और ये सब पूछा जाएगा। इसका जो काम है मेन एशियन डेवलपमेंट का, ये डेडिकेटेड है किसके लिए, टू रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन एशिया और जो पैसिफिक रीजन है उसमें, सब जगह नहीं, स्पेशली एशिया और पैसिफिक। और इसमें क्या क्या आ जाते हैं रिड्यूसिंग पॉवर्टी में, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ और रीजनल इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ें इसमें आती है। अल नीनो, ये देखिए ये अच्छी खबर नहीं है। अल नीनो का पहले तो ये जो यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट का नेशनल ओशियनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इंडिकेशन दिया था कि पॉसिबली अल नीनो डेवलप होगा इस साल 2013 में, 2023 में। अब ये नीति आयोग ने भी इस पे स्ट्रेस किया है, नीति आयोग ने भी रिसेंटली बताया है कि एग्रीकल्चर के लिए अलनीनो शॉक दे सकता है, इफेक्ट करेगा। अलनीनो और लानीनो दो आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो अलनीनो क्या करता है, ये मानसून को इफेक्ट करता है। मानसून को इफेक्ट कैसे करता है, ये विंड का पैटर्न चेंज कर देता है। विंड का पैटर्न कैसे चेंज करता है, ये एक फिनोमेना है जिसमें एबनॉर्मल हीटिंग अप होता है, जो ओशियनिक सरफेस है, ओशियन सरफेस है वो हीट अप हो जाता है, हीटिंग अप होता है ओशियनिक सरफेस, और उसकी वजह से विंड का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि ओशियनिक टेम्परेचर और विंड चेंज हो गई तो ऑब्वियसली जो मानसून है, जो वेदर है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है इससे, और अक्रॉस द पूरा वर्ल्ड विंड का पैटर्न और वेदर चेंज करता है ये जब भी अल नीनो होता है। एक और जो लानीनो होता है ये तो गर्म कर देता है, इसके अलावा एक लानीनो और है वो कोल्ड इम्पैक्ट रहता है, हीटिंग अप नहीं करता, वो कोल्ड इम्पैक्ट करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका जो है ये 3 से और 6 साल में एक बार आता है अल नीनो,
और जब एक बार आता है तो ये 9 से और 12 महीने तक इसका असर रहता है। और अभी बताया जा रहा है कि जो इसका पहला इम्पैक्ट शुरू होगा वो होगा अप्रैल में। अप्रैल में बताया जा रहा है कि ये इम्पैक्ट करेगा। और हमारे यहाँ पे मानसून जो सेशन है, मानसून सेशन या जो मानसून सीजन है, वो अप्रैल के आसपास से ही शुरू होता है। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अगर अलनीनो आता है तो डायरेक्ट ये समझिए बारिश कम होगी, हीटिंग अप ज़्यादा होगा, बारिश कम होगी, सूखा, और कहीं पे फ्लड आएगा, कहीं पे सूखा होगा। अब गवर्नमेंट के पास क्या प्लान है इसको लेके, अलनीनो को लेके? ये मेंस वगैरह में पूछा जाता है कई बार, सिविल सर्विसेज में या स्टेट पीएससी या जो भी रिटर्न एग्जाम्स में जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है उसमें पूछा जाता है गवर्नमेंट स्टेप्स, व्हाट आर द गवर्नमेंट स्टेप्स टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ अलनीनो। तो अलनीनो के लिए गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव कह सकते हैं स्टेप्स हैं, एक है मिशन अमृत सरोवर। मिशन अमृत सरोवर है, इसमें क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट ने 75 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए हैं, 75 जिले। इन 75 जिलों में गवर्नमेंट पौंड बना रही है, तालाब बनाएगी 75 जिलों में, ये अभी बना रही है। दूसरा इसको देखते इसी से जुड़ा हुआ फोकस किया जा रहा है, कुछ चीज़ें पहले की है लेकिन अब उनमें बजट बढ़ाया जा रहा है या उनमें मशीनरी ज़्यादा बढ़ाई जा रही है अलनीनो का इम्पैक्ट ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी भी एक किस्त अभी प्रधानमंत्री ने रिसेंटली शायद 14वीं या 13वीं इंस्टॉलमेंट अभी इसकी किसानों को जारी की है। इससे क्या होता है, इसमें फसल बीमा योजना है ये, वो तो किसान सम्मान है, ये फसल बीमा में क्या होता है कि ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, गवर्नमेंट ने लॉन्च की है किसानों की क्रॉप्स का जो लॉस होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और लॉस किससे होता है, जो नेचुरल कालमिटीज हैं या ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, या जो वेदर रिलेटेड इवेंट्स हैं उनसे जो नुकसान होता है किसानों को, उसमें ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। दूसरा एक सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम है, सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम में भी बेटर मैनेजमेंट मिलता है क्रॉप्स का, जो ड्रॉट है या वेदर रिलेटेड इवेंट है उनको देखते हुए सोयल टेस्टिंग की जाती है और किसानों को जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है ताकि उनकी हेल्प हो सके और उनको बेटर मैनेज कर सके वो अपना क्रॉप्स का। इसके अलावा सोयल हेल्थ कार्ड हो गया है, इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट फिर एक और है गवर्नमेंट का, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। फूड सिक्योरिटी मिशन ये आपने देखा होगा, फूड सिक्योरिटी का काफ़ी टाइम से चल रहा है। एक नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और है, इसके अलावा एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। ये सभी योजनाओं में अब ज़्यादा जोर दिया जाएगा। और वैसे तो ये जो अमेरिका का डिपार्टमेंट है ओशियनिक रिसर्च वाला, नेशनल ओशियनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसने थोड़े टाइम पहले ही अलर्ट कर दिया था, तो गवर्नमेंट के पास टाइम मिल गया इन सबको मैनेज करने के लिए। और उम्मीद है कि ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, बाकी तो जब होगा जब पता चलेगा। अलनीनो और लानीनो आप ज़रूर पढ़िएगा। ये जो हीट डोम है, ये टर्म पूछी जाती है कई बार हीट डोम, अभी ऐसा फोरकास्ट हुआ है, ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली जिसमें बताया गया है कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है इसमें रिट्रैक्ट करेगा हीट डोम, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट रीजन में। देखिए हीट डोम कब आता है, जब एटमॉस्फेयर ट्रैप होता है हॉट ओशियनिक एयर, लाइक एक टर्म इससे रिलेटेड है लिड, या उसको कैप कहते हैं, ये टर्म इसी से रिलेटेड है। जो कोई स्ट्रॉन्ग या हाई प्रेशर एटमॉस्फेरिक कंडीशन का कॉम्बिनेशन बन जाए, स्ट्रॉन्ग है और हाई प्रेशर एटमॉस्फेयर है, तो उसके इन्फ्लुएंस से जो लानीनो है वो क्रिएट करता है इस तरीके की हीट डोम। ये किससे जुड़ा हुआ है, लानीना। और इसी को ही बोला जाता है हीट डोम को, नॉर्मली जो जेट स्ट्रीम्स, आपने नाम सुना होगा जेट स्ट्रीम, वो भी इसी से ही जुड़ा हुआ है, एक वेव लाइक पैटर्न होता है ये। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है हीट डोम, तो ये इससे एसोसिएटेड है।
मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम 2023, इसको शॉर्ट में सुना होगा आपने, एमपीलैड्स। एमपीलैड्स अभी रिसेंटली है, जो स्टेटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के मिनिस्टर हैं राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने ये लॉन्च किया है एमपीलैड्स। एमपीलैड्स ये क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है। इसमें कोई भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और ये कब से चालू हो जाएगा, इसमें एक पोर्टल, वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है इसके साथ साथ गाइडलाइंस के लिए, ये शुरू होगा April 1, 2023 से। एमपीलैड स्कीम में क्या होता है कि एक तो इसको फुली फंड कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फुली फंड करता है। एक कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 करोड़ रुपए तक, 5 करोड़ एक साल में एनुअली फंड के लिए एंटाइटल है। 5 करोड़ तक के काम कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करवा सकता है। दूसरा, जो लोकसभा मेंबर हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं अपने एरिया के लिए, जो इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं स्टेट इलेक्शंस के लिए जो वर्क है उसमें, और जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो देश में कहीं भी किसी भी जगह के लिए वो रिकमेंड कर सकते हैं। ये जो शुरू किया गया था, ये कब से शुरू किया गया था, 1993 में एमपीलैड शुरू किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इनिशियली इस स्कीम को एडमिनिस्टर करता है। ये पूछा गया है क्वेश्चन कई बार कि ये जो एमपीलैड्स है इसको कौन एडमिनिस्टर करता है, रूरल डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है वो। न्यू स्टार्ट ट्रीटी, पहले था स्टार्ट फर्स्ट के बाद में उसको रिप्लेस किया गया और शॉर्ट कर दिया गया, और अब शॉर्ट के बाद आया है न्यू स्टार्ट। देखिए ये तीनों एक ही है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये था स्टार्ट फर्स्ट, देन स्टार्ट फर्स्ट को रिप्लेस किया किससे, शॉर्ट, और अब आया है ये थर्ड न्यू स्टार्ट। ये समझना होगा क्या है। अभी रिसेंटली रशिया ने है सस्पेंड कर दिया उसका जो पार्टिसिपेशन है स्टार्ट, न्यू स्टार्ट ट्रेटी में। ये इसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ मास्को। अमेरिका और रशिया के बीच में एक ट्रीटी हो रखी है, ये जो रशियन फेडरेशन है उसके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में ये ट्रीटी हो रखी है ऑफिशियली। इसमें क्या होता है कि इन दोनों के बीच में एक कमीशन बना हुआ है, रशिया और अमेरिका के बीच में एक BCM बना हुआ है, बायलेटरल कंसल्टेटिव कमीशन। ये कमीशन क्या करता है, इसमें किस देश के कहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है न्यूक्लियर वेपन्स का, कितना है, कहाँ कितना है और कहाँ पे है, ये और उसके डेटा और इन्फॉर्मेशन और उनका मूवमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ये एक्सचेंज करते थे रशिया और अमेरिका। लेकिन अब रशिया ने इसको सस्पेंड कर दिया है कि वो अब इस ट्रीटी को नहीं मानेगा। तो अब इसमें दो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। स्टार्ट क्या है, स्टार्ट का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ये है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इसमें जो स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स है, और ऑफेंसिव आर्म्स कौन से, न्यूक्लियर वार ऐड हो गया, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिलीवरी व्हीकल, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिलीवरी व्हीकल्स, और ये किस काम आते हैं आपने सुना होगा, ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनके लिए ये व्हीकल्स काम आते हैं, उनकी जानकारी भी इसमें रहती है। जो ICBM है वो किसको बोलते हैं, ऐसी मिसाइलें जो जिनकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज़्यादा होती है उनको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है। तो अब ये ट्रीटी रशिया ने ख़त्म कर दिया अमेरिका के साथ। ये पहली बार ये ट्रीटी है जो जब रशिया नहीं हुआ करता था USSR हुआ करता था, USSR के साथ में ये पहली बार स्टार्ट फर्स्ट ट्रीटी 1991 में हुई थी, इनके बीच में संधि है जो, और ये कब से इफेक्ट में आई थी, 1994 से ये संधि इफेक्ट में आई थी। इसके बाद में स्टार्ट फर्स्ट जो है उसको रिप्लेस कर दिया स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, शॉर्ट ये।
और ये कब आई थी, और इसके बाद में जो इसको शॉर्ट को बोला जाता है ट्रीटी ऑफ मास्को, और अब इसको रिप्लेस करके न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो अभी है ख़त्म कर दिया रशिया ने, ये है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में है, यूक्रेन रशिया का वार वैसे ही पूरे साल से चर्चा में रहा है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा ट्रीटी का। ये अभी जो बैंडीकूट रोबोट है ये काफ़ी चर्चा में है। ये रोबोट काम कर रहा है देश के 17 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज में, 17 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज में इसको डिप्लॉय किया गया है, कुछ कई टाउन्स में। ये किसने बनाया है, ये बैंडीकूट रोबोट बनाया है जेन रोबोटिक्स ने, जेन रोबोटिक्स ने बनाया है इसको। और जेन रोबोटिक्स को अभी रिसेंटली केरला गवर्नमेंट ने, जो प्रोग्राम हुआ था केरला स्टार्टअप मिशन, उसमें केरला प्राइड जो अवार्ड है, केरला प्राइड अवार्ड 2022, ये इन्हीं को दिया था जेन रोबोटिक्स को। ये पूरी दुनिया का ऐसा पहला रोबोट है, ना सिर्फ भारत का, पूरे वर्ल्ड का ऐसा पहला रोबोट है जो ये स्केवेंजर, जो भी गंदगी है उसको साफ करेगा, कोई सी भी गंदगी हो उसको ये साफ करेगा, क्लीन सीवेज सब जगह। और ये काफ़ी जगह है जैसा मैंने बताया आपको, इतने टाउन्स में, इतने स्टेट्स में है ये। इसमें वाटरप्रूफ, इसमें मशीन है, ये वाटरप्रूफ मशीन है, इसमें HD कैमरा लगे हुए हैं और सेंसर हैं जो डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो गंदी नालियाँ वगैरह हैं उनमें साफ सफाई होगी तो वहाँ हार्मफुल गैसेज होती है, तो जैसे ही कोई हार्मफुल गैस होगी इनसाइड द मैन होल्स, ये डिटेक्ट कर देगा उसको, जो इसमें HD विजन कैमरा और सेंसर वगैरह लगे हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसका नाम बांडीकूट, ये क्या है पूछा जाएगा, तो ये रोबोट है जो सफाई करेगा, केरला ने बनाया है जेनेटिक रोबोट्स। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है, आपने सुना होगा महात्मा गांधी ने, वो जो नरेगा है, महात्मा गांधी नरेगा, पहले नरेगा था फिर इसको महात्मा गांधी नरेगा कर दिया। इसमें क्या होता था कि घर में से कोई काम करने जा रहा है उसकी जगह कोई जा रहा है, नाम किसी और का है, या फिर कई बार वो साइट पे अवेलेबल भी नहीं है और उसकी प्रेजेंट चल रही है वहाँ साइट पे जहाँ काम चल रहा है, इस तरीके के केसेस आए गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट ने ये सिस्टम शुरू किया है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें क्या है, जैसे फिंगरप्रिंट या जो बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू किया है ऑफिसेज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, कि बायोमेट्रिक सिस्टम, आप जा रहे हैं ऑफिस में और वापस जा निकल रहे हैं सुबह शाम को, तो उसमें बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू किया, वैसे ही जो भी वर्कर्स हैं नरेगा मनरेगा के, इनको कैप्चर करना पड़ेगा इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अपना अटेंडेंस, मतलब इस एप्लीकेशन के थ्रू अटेंडेंस लगानी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किसके लिए है, मनरेगा के लिए, महात्मा गांधी नरेगा के लिए है ये, जहाँ इसमें डेली 1.5 करोड़, अप्रोक्सीमेट 1.5 करोड़ लोग डेली काम करते हैं 14 लाख के आसपास साइट्स पे इंडिया। 100 डेज का आपने सुना होगा राइट टू वर्क गारंटी, रोजगार गारंटी 100 दिन का इसमें दिया जाता है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये नई टर्म है। देखिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज अभी दुनिया में कहाँ पे है, मैं इसको समझाऊंगा। सोशल स्टॉक एक्सचेंज अभी UK, कनाडा और ब्राज़ील में ही है, ये 3 ही देशों में था। अभी सेबी ने इसको हरी झंडी दे दी है, और जो NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसने अनाउंस किया है कि उसने रिसीव किया है फाइनल अप्रूवल, जो मार्केट रेगुलेटर है सेबी, किसके लिए, टू एस्टैब्लिश सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होगा, एक सेपरेट प्लेटफॉर्म होगा, सेपरेट सेगमेंट होगा, ये प्रोवाइड करवाएगा नए एवेन्यूज सोशल एंटरप्राइजेज के लिए, जो सोशल इनिशिएटिव है
उनके लिए होगा ये, उनको फंड प्रोवाइड करवाना। और जो इसमें कौन आएगा, सोशल एंटरप्राइजेज आ गई, या फिर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो आ गए, या फिर इसमें फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेज, फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेज हैं वो आ जाएंगे। तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है। ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेबी ने इसको एस्टैब्लिश करने के लिए एनएसई को फाइनल अप्रूवल दिया है। अभी ये कहाँ लिस्ट होगा, सोशल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे लिस्ट होगा, हो सकता है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो, या जो जिसको हम कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ लिस्ट होगा। ये जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको लिस्ट करने के लिए अलाउ करेगा, ताकि वो फंड रेज कर सके सोशल इश्यूज के लिए। इंडियाज बायो इकोनॉमी, ये बायो इकोनॉमी अभी काफ़ी चर्चा में है। मिनिस्ट्री जो साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, उसने कहा है अभी कि इंडिया 300 बिलियन का जो US डॉलर है वो टच कर जाएगा। कब तक, 2030 तक। ये ध्यान रखिएगा ये डेटा, 2030 तक इंडिया है जो 300 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी, बायो इकोनॉमी। अब बायो इकोनॉमी को समझना आपको, बायो इकोनॉमी में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और दूसरा है सर्कुलर इकोनॉमी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल जो सर्कुलर इकोनॉमी के हैं वो क्या है, रीयूज रिपेयर एंड रिसाइकल, 3 R, RRR, ये सर्कुलर इकोनॉमी है। ये फंडामेंटल पार्ट है बायो इकोनॉमी का, रीयूज रिपेयर एंड रिसाइकल। अभी थोड़े टाइम पहले जो राष्ट्रपति का बजट से पहले अभिभाषण हुआ था, उसके बाद में जो प्राइम मिनिस्टर उस अभिभाषण पे चर्चा कर रहे थे पार्लियामेंट में, तो एक जो चली है चर्चा, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर ने वो कोट या जैकेट जो पहन रखा था वो बनाया गया था जो वेस्ट मटेरियल बोटल्स हैं, जो प्लास्टिक की बोटल्स हैं उनसे बनाया गया था वो जैकेट है जो, और इस तरीके के काम चल रहे हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इसी से जुड़ा हुआ है, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी चीज़ का रीयूज करना, उसको रिपेयर करना और उसको रिसाइकल करना, वेस्ट मटेरियल को, इससे क्या होगा, आपके एनर्जी सेव होगी, जो सोयल पोल्यूशन है वो कम होगा, एयर पोल्यूशन कम होगा, वाटर पोल्यूशन कम होगा। मैंने एक पानी बोतल का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे वेस्ट आप जानते हैं, आप सभी के घरों में या हर जगह जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह है वहाँ बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, तो उनको यूज करके कुछ बनाया जा रहा है, उनको रिपेयर किया जा रहा है, रीयूज किया जा रहा है, रिसाइकिल किया जा रहा है। अभी ये जो डेटा दिया है मैंने 300 बिलियन डॉलर का 2030 तक, और इसमें 150 बिलियन डॉलर का 2025 तक का टारगेट है। ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। बायो इकोनॉमी से जो आत्म भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की, वो विजन ये के अकॉर्डिंग है ये, कि इंडिया को 2047 तक एनर्जी डिपेंडेंट बनाना है, तो ये इकोनॉमी जरूरी है, बायो एग्री जरूरी है। बायो एग्री का अगर पूछा जाता है कि बायो एग्री में क्या है, तो BT कॉटन हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, मेरीन बायोटेक हो गए, एनिमल बायोटेक हो गए, ये सब बायो एग्री में आते हैं। देखिए बायो इकोनॉमी क्या है, बायो इकोनॉमी एक प्रोडक्शन है, यूटिलाइजेशन है और कंजर्वेशन है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, और इसमें नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन सभी आता है। अभी बात करें गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है टू बूस्ट करने के लिए, बायो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, तो इससे रिलेटेड जो मिशन है वो हमें ध्यान में होने चाहिए। एक है नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी, नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी ये 2016 में शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने 2016 में ये नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी शुरू किया गया था। एक और जो आपको ध्यान में रखना है वो है बायोटेक किसान, बायोटेक किसान ध्यान में रखना है। ये बायोटेक किसान ये किसके अंडर में आता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, DBT ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। और ये कब बनाया, 2017 में, 2017 में बायो किसान और 2016 में नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट है। इसी से जुड़ा हुआ एक और मैं आपको बता देता हूँ, बायो इकोनॉमी का ही टॉपिक है, फॉस्फोरस,
फॉस्फर और जिप्सम का। फॉस्फर और जिप्सम क्या है, अभी रिसेंटली जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने वो पार्टनरशिप में है किसके साथ में, जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के साथ में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने पार्टनरशिप में ये शुरू कर रहे हैं, इसका ट्रायल कंडक्ट किया है अभी, कि फॉस्फर और जिप्सम से जो नेशनल हाईवे है उनके कंस्ट्रक्शन में काम में लिया जाएगा ये मटेरियल। अब नेशनल जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर हो तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में आता है। इस मटेरियल से के बारे में कहा गया है कि जो ट्रायल किया है रोड बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, कि एक इफेक्टिव है, फॉस्फर और जिप्सम इफेक्टिव है। और ये रिपोर्ट आई है जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसको बोलते हैं CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने ये रिपोर्ट दी है कि ये मटेरियल वेस्ट मटेरियल है, फॉस्फर और जिप्सम। जो बायो इकोनॉमी की हम बात कर रहे थे ना, वो भी यही है, क्योंकि ये जो मटेरियल है वेस्ट मटेरियल होता है और इसको रोड के कंस्ट्रक्शन में काम में लिया जाएगा। लिकोराइस, या जिसको आम भाषा या नॉर्मली मुलेठी कहा जाता है, देखिए प्रेजेंटली अभी इंडिया अप्रोक्सीमेट 8000 टन का इसका इंपोर्ट कर रहा है मुलेठी का। और ये कहाँ से कर रहा है इंडिया जो इंपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान, चाइना और नेपाल से। अफगानिस्तान, चाइना और नेपाल से लगभग हर साल 8000 टन के अराउंड है जो इसको इंपोर्ट करता है इंडिया। अब इस इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए इंडिया ने इसका कल्टीवेशन शुरू किया है, ऑर्गेनाइज कल्टीवेशन इसका लिकोराइस मुलेठी का। अब ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि ये कहाँ पे शुरू किया गया। इंडिया में ये पहली बार शुरू करने वाला स्टेट जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश ने ये पहला स्टेट है इंडिया में जिसने स्टार्ट किया है टू ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल कल्टीवेशन इसका मुलेठी का, ये आपको ध्यान में रखना है। पीएम किसान सम्मान निधि, ये अभी इसका है जो अभी हम इसका चर्चा कर ही रहे थे, इसकी 13th इंस्टॉलमेंट अभी प्राइम मिनिस्टर ने, ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है इनके किसानों के अकाउंट में, लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खातों में डायरेक्ट पैसा जाता है। इसमें 6000 रुपये हर साल डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में भेजे जाते हैं इसमें। और जो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ये कब लॉन्च की गई थी, ये लॉन्च की थी 2019 में लॉन्च की गई थी। देखिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करेंगे सपोर्ट बना रहता है, और फिर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी से अच्छा जो भी बेस्ट करंट अफेयर्स का मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसका पीडीएफ का डाउनलोड करने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। साइक्लोन गैब्रियल, आपसे एग्जाम में 2-3 चीज़ें पूछी जा सकती है। किसी एग्जाम में अगर टर्म आए वाइकातो, या फिर आपसे पूछा जाए हॉकेज बे, या फिर आपसे पूछा जाए तायराबीती, ये वाइकातो, तायराबीती, बे ऑफ प्लेंटी, हॉक्स बे, ये सभी सिटीज इस साइक्लोन से प्रभावित हुई है। और जो अभी रिसेंटली इमरजेंसी लगा दी गई थी नॉर्थलैंड में, ऑकलैंड में, जो लार्जेस्ट सिटी भी है न्यूजीलैंड का, ऑकलैंड, वहाँ पे इमरजेंसी लगा दी गई थी इस साइक्लोन गैब्रियल की वजह से। तो ये आपको ध्यान रखना है, साइक्लोन गैब्रियल न्यूजीलैंड में आया था, ये अभी कहाँ पे, न्यूजीलैंड में, कहाँ। और ये जगहों के ध्यान रखने, आप एक बार न्यूजीलैंड का मैप देखिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ सिटी है उनको मैप में ज़रूर देखिएगा। आपसे अगर पूछा जाए कि किस टाइप का साइक्लोन था, तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन था,
ट्रॉपिकल साइक्लोन था ये। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR, देखिए वर्ल्ड बैंक ने, इसने जो WHO है उसने अभी ये कंसर्न रेज किया है COVID-19 पेंडेमिक के बाद से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये अनफॉर्चुनेटली कि अभी है ये हमारे बीच में और ये इनविजिबल पेंडेमिक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लोग हैं जो बिना जानकारी के या मिसयूज कर रहे हैं और ओवर यूज कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स का, ह्यूमन और एनिमल दोनों में। ये ग्लोबल थ्रेटन बताया गया है, जो टॉप 10 ग्लोबल थ्रेट्स हैं उनमें बताया गया है ये आप ध्यान रखिएगा इसको, WHO ने बताया ये। इसमें एक टर्म है जो आपसे पूछा जा सकता है कि ये टर्म किससे रिलेटेड है, एक सुपर बग है। सुपर बग्स वो क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डेवलप होते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से, उनको रेफर किया जाता है सुपर बग। और ये जुड़ा हुआ है किससे, जो लोग मिसयूज बिना प्रिस्क्रिप्शन के या ओवर यूज कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स का, वो है ये। इसके लिए गवर्नमेंट ने भी अभी कुछ प्लान्स बनाया था, एक गवर्नमेंट ने 2017 से और 21 का एक प्लान बनाया है जो आपने देखा होगा, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो कब 2017 की, उसमें भी इसकी चर्चा है। और ये 5 साल का प्लान था 2017 से 21 का, इसी को देख के था ये चर्चा में, इसलिए क्योंकि अभी G20 की मीटिंग हो रही है, समिट हो रहा है इंडिया में, तो जो G20 है इसमें इसका जिक्र कर रहे हैं, सभी देश इसको अपॉर्चुनिटी के लिए ले रहे हैं कि टू एंश्योर करें जितने भी एस्पेक्ट हैं AMR के उनको इसमें उठाया जाए और कमिट या प्रोग्रेसिव तरीके से इनको बढ़ाया जाए, आगे इस पे काम किया जाए। कुछ मारबर्ग डिजीज या मारबर्ग वायरस, ये पहले आपने एक नाम सुना होगा इबोला का, इबोला वायरस का, ये उसी फैमिली का वायरस है जो फैमिली थी फिलो वायरस, फिलो वायरस फैमिली का ही मेंबर है, जिस फैमिली का इबोला वायरस मेंबर था। अभी रिसेंटली जो गिनी कहां पे है, ये पश्चिमी अफ्रीका में, इसकी कैपिटल का भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछी जाती है गिनी की कैपिटल क्या है, ये पश्चिमी, यहां पे ये गिनी में है, जो इस वायरस की वजह से कई लोगों की डेथ हो चुकी है और इस पे WHO ने कंसर्न जताया है। और ये जो रिसर्च हुई है उसके बाद पता चला है कि ये उसी फैमिली का मेंबर है। अब ये गिनी का मैप देख लेना, ये वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है और गिनी की कैपिटल क्या है, शायद कोनाक्री है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा किसी में, गिनी की कैपिटल, इसकी करेंसी वगैरह। ये पहले इसका नाम फ्रेंच गिनी था, अभी रिपब्लिक गिनी हो गया है, ये वायरस यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये जो आपने सुना होगा फ्रूट बैट, जो फल खाने वाले चमगादड़ है उनसे फैला है ये वायरस। होमोरगस खानदेश, ये एक नई स्पीसीज डिटेक्ट की है अभी रिसेंटली, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका जो वेस्टर्न रीजनल सेंटर है, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वेस्टर्न रीजनल सेंटर कहाँ पे है, ये पुणे में है, पुणे में यहाँ पे ये डिस्कवर किया गया है साइंटिस्ट ने। ये एक छोटा कीड़ा जैसे वो कॉकरोच टाइप का है वैसा ही है, उसकी ये स्पेसीज फाउंड हुई है, तो इसका नाम ध्यान में रखिएगा आप। एक्सरसाइज धर्मगार्जियन, ये एक्सरसाइज हुआ है किन दो देशों के बीच में हुआ है, ये एक्सरसाइज पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। अभी रिसेंटली ये कर्नाटका में हुआ है, कर्नाटका में बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जो कर्नाटका है उसमें इंडिया और
जापान के बीच में। देखिए जापान के पास अभी कोई आर्मी नहीं है, जापान के पास एक खुद की सेल्फ डिफेंस फोर्स है जिसको जापानीज ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स बोला जाता है। अदरवाइज जापान की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका की फोर्स है, जो इनके हो रखा है वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था उसके बाद से ही एग्रीमेंट। लेकिन अभी रिसेंटली क्या है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। तो जापान को लग रहा है कि क्योंकि चाइना खतरा बनता जा रहा है जापान के लिए, इसलिए जापान अब खुद की आर्मी बना रहा है, और शुरुआत उसने इंडिया से ही की थी, और अब ये उसी का एक सीरीज है, चैन ऑफ एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज धर्मा हुआ है आपको इतना। और अभी वैसे भी जापान और इंडिया के 70 ईयर कंप्लीट हुए हैं 2022 में, जो दोनों कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनके। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, इसका चौथा एडिशन था, अभी ये फोर्थ एडिशन था इस एक्सरसाइज का। धारा रिवर सिटीज अलायंस, एक तो धारा क्या है, धारा है ये ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स, ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स, ये है धारा। और इसमें रिवर सिटीज RCA रिवर सिटीज अलायंस है। अभी इसकी रिसेंटली मीटिंग हुई है, एनुअल मीटिंग हुई है इसके जो मेंबर है RCA और इसके मेंबर्स की। अब ये किसने ऑर्गेनाइज किया, इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMGC और दूसरा NIUA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, इन दोनों के पार्टनरशिप से ऑर्गेनाइज हुआ है। अब देखिए इसमें दो चीज़ें पूछी जा सकती है आपसे कि ये जो धारा रिवर सिटीज अलायंस है, एक तो इसके नेम से पता चल रहा है कि जो भी सिटीज हैं उनके अक्रॉस रिवर्स के से रिलेटेड सस्टेनेबल मैनेजमेंट रिवर्स का या उससे रिलेटेड जो काम है वो होंगे। अब जो इम्पोर्टेंट है वो पूछा जाएगा कि क्या इसमें गंगा के किनारे जो सिटी हैं वो ही आते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर ये क्या कर रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, इसका मतलब ये सभी जगह के लिए है, ना सिर्फ गंगा बेसिन के लिए है, ये पूरे कंट्री वाइज है। इसमें दो मिनिस्ट्री आती हैं, एक तो जल शक्ति मंत्रालय और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये जो रिवर सिटीज अलायंस है कब लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया था 2021 में लॉन्च किया गया था। इंडिया में जितनी भी सिटीज के अक्रॉस रिवर है, सिटीज के किनारे या सिटीज से जुड़ी हुई जो रिवर हैं शहरों से, उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उनका मैनेजमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए ये धारा शुरू किया गया है, नेटवर्क कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्निकल सपोर्ट, ये तीन चीजों का है इसमें। ये टर्म जरूर ध्यान रखिएगा आप, ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। जल जन अभियान, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा किसी एग्जाम में, जल जन अभियान ये प्राइम मिनिस्टर ने किस राज्य से शुरू किया या किस शहर से शुरू किया या इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा। देखिए ये जल जन अभियान है, ये प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली इसको इनोग्रेट किया था, जो आबू रोड में है, आबू रोड माउंट आबू, ये राजस्थान में सिरोही डिस्ट्रिक्ट में इसको वर्चुअली इनोग्रेट किया है। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान सिरोही और आबू रोड, सिरोही जिला है राजस्थान में और इसमें ये आबू रोड माउंट आबू सिरोही जिले में आता है। अब इसमें हाईलाइट क्या है, किस मंत्रालय के अंडर में है, ऑब्वियसली जल शक्ति मंत्रालय के अंडर में है आएगा, और इसमें जल शक्ति मंत्रालय के साथ साथ इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है और किसका सपोर्ट है, इसमें जो ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें काफ़ी बड़ा इसको किया जा रहा है, इसको लगभग इसमें है जो 5,000 से भी ज़्यादा वाटर बॉडीज को टारगेट किया जा रहा है इसमें कैंपेन। इसमें 10,000 प्रोग्राम होंगे अगले 8 महीने में, जिसमें 10 करोड़ लोगों को शामिल किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना आपको, आबू रोड सिरोही राजस्थान।
चंद्रयान 3 देख रहे, अभी रिसेंटली इसरो ने कहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने कहा है कि जो क्रिटिकल क्रूशियल टेस्ट है लैंडर का, वो हो चुका है और ये कंफर्म कर दिया है इसरो ने कि चंद्रयान 3 का जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए, इसमें एक टेस्ट होता है ई एम आई ई एम सी टेस्ट होता है। आपने सुना होगा कि पिछली बार जब लॉन्च किया था हमने विक्रम लैंडर, हमारा जो विक्रम लैंडर था 2019 में, जुलाई 2019 में लॉन्च किया था ये चंद्रयान 2, चंद्रयान 2 जुलाई 2019 में लॉन्च किया था। उस टाइम पे विक्रम लैंडर है उसमें कुछ इश्यू आ गया था, जो लूनार सरफेस है उसका क्रैश हो गया था वो विक्रम लैंडर लूनार सरफेस पे। उसकी वजह बताई गई थी कि उसका जो एक ब्रेकिंग रॉकेट है, ब्रेकिंग रॉकेट, उसमें कुछ इश्यू था जिसकी वजह से विक्रम लैंडर क्रैश कर गया था। अब उसी का ही टेस्ट किया है ये चंद्रयान 3, और इसरो ने कहा है कि भाई ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपको दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये मून मिशन है, एक तो इंडिया चौथा ऐसा कंट्री है जो जिसके पास एक कैपेसिटी है मून को एक्सप्लोर करने की, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, रसिया और चाइना, ये लैंड किए हैं सक्सेसफुली अभी, और इंडिया चौथा है। इसको कहाँ से लॉन्च किया जाता है, इसमें दो तीन चीज़ें आपको जो ध्यान रखनी है। LMV-3 जो लूनार व्हीकल मार्क 3 है उससे इसको लॉन्च किया जाएगा। एक सतीश धवन स्पेस सेंटर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, ये आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से इसको लॉन्च किया जाता है। जो चंद्रयान मिशन पहला था, उसके बाद दूसरा चंद्रयान फर्स्ट है, ये हमने कब लॉन्च किया था, पहला जो चंद्रयान मिशन था ये हमने 2008 में लॉन्च किया था, जब पता चला था कि चांद पे पानी है। ये चंद्रयान, हमारे चंद्रयान फर्स्ट ने ही दुनिया को बताया था कि भाई चांद पे पानी है। उसके बाद में जो चंद्रयान 2 है ये 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसमें विक्रम और प्रज्ञान, विक्रम लैंडर था, रोवर था प्रज्ञान, जो इसरो ने ही बनाया था, और वो भी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही लॉन्च किया गया था। अब चंद्रयान 3 मिशन की बात है, तो चंद्रयान 3 मिशन इसी साल लॉन्च होगा 2023 में। अब ये हो सकता है एंड सितंबर अक्टूबर कभी भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। इसमें जो टोटल कॉस्ट आएगी एक्सपेक्टेड है वो 600 करोड़ के आसपास की कॉस्ट बताई जा रही है, अप्रोक्सीमेट 52 मिलियन US डॉलर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये कुछ टर्म्स जो मैंने आपको बताई है चंद्रयान 3 से रिलेटेड। सागर परिक्रमा प्रोग्राम फेज थर्ड, सागर परिक्रमा प्रोग्राम फेज थर्ड है, इसके दो फेज लास्ट ईयर शुरू किए गए थे। इसका जो पहला फेज था ये सागर परिक्रमा का प्रोग्राम का, ये मार्च मार्च 2022 में, और इसका जो सेकंड फेज था वो था सितंबर सितंबर 2022 में ये ऑर्गेनाइज किए गए थे। इसमें क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी है वो इसको ऑर्गेनाइज करता है, कौन, जो मछुआरों का विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, वो इसको ऑर्गेनाइज करता है, इनिशिएट करता है। अभी जो ये थर्ड फेस है ये कहाँ पे इनिशिएट किया गया है, ये सूरत में किया गया है, सूरत में जो हजीरा पोर्ट है वहाँ पे गुजरात में। इसमें क्या होता है कि इसका ऑब्जेक्टिव है जो मछुआरे हैं, फिशरीज है, या जो स्टेक होल्डर है उनका, मछुआरों का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, उनमें अवेयरनेस आए, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, सॉलिडिटी हो, इस तरीके की जो कोस्टल बेल्ट है उसको टारगेट किया गया है, जो पूरा कोस्टल बेल्ट है। जैसे आप देखोगे गुजरात, दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, और ये पूरा जो कोस्टल बेल्ट है गुजरात से इधर वेस्ट बंगाल तक और अंडमान और लक्षद्वीप, ये पूरा कोस्टल बेल्ट इसमें कवर किया गया है, और ये एक मछुआरों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आता है कि आप हेल्प करिए
टू क्रिएट मोर लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आता है, उसी के लिए है ये। उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो को लाइक करके जाएंगे। इसी तरीके से आपको वीकली बेसिस पे लास्ट 15 to 18 months के करंट अफेयर्स रेगुलर बेसिस पे करवाते रहेंगे, और जो भी नए करंट अफेयर्स हैं, न्यू हैं, वो तो इसमें साथ में ऐड होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।